साथ में मैंने एक्समेट का एक गेमिंग माउस भी मंगाया हुआ है ज़ोरो का। ये बहुत आजकल पॉपुलर फेमस एक्स माउस है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आपके ज़ोरो एक्समेट होता है ना, एक्समेट का जो माउस है 499 रुपीज़ में ऑसम गेमिंग माउस दे रहे हैं ये लोग। तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक गेमिंग माउस था, अच्छा था टैग का, है ना, लेकिन मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा देखने में, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो रही थी, कुछ कीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो एक गेमिंग माउस मंगा लेते हैं। और साथ में इसका कोई बढ़िया ट्यूटोरियल था नहीं यूट्यूब पे, तो मैं एक ट्यूटोरियल बना के डाल रहा हूँ कि आप देख सको कि जो अनबॉक्सिंग है कैसे है क्या है। हालाँकि मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी ना आपको दिखाता हूँ एनटेक का कूलर लगाया है, तो इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि एनटेक का कूलर काफ़ी सस्ता आ रहा है, काफ़ी इसके रेट ड्रॉप हो गए हैं। 843 रुपीज़ में हैवी ड्यूटी कूलर है, तो आप अगर ओवरक्लॉकिंग करते हो या सीपीयू में हीटिंग का इशू है तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है और आपका पीसी बिना हीट के बढ़िया चलता है, तो ये भी आप देख लेना। बाकी ये बिल है, बिल मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेज़ॉन कंपनी से मैंने मंगाया हुआ है, बहुत ही अच्छी डिलीवरी है, आप बिलीव नहीं करोगे, केवल दो दिन के अंदर इन्होंने डिलीवरी दिया है, दो भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा दिन का पहला मॉर्निंग है, स्टार्टिंग मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ये 10 बजे ही मेरे को दे गए। और जितनी तारीफ़ की जाए अमेज़ॉन की डिलीवरी की, मैं तो इनका बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, जो भी चीज़ मंगाता हूँ भले ही 100, 200, 500 रुपये महंगी होती है, लेकिन मैं मंगाता अमेज़ॉन से ही हूँ। आप देख लो कितनी अच्छे से ये लोग पैकिंग करके लाते हैं, सारा कुछ कहीं से कुछ कटा फटा नहीं है, बिल्कुल वेल पैक सील पैक सारा कुछ, तो डैमेज प्रोडक्ट नहीं मिलता मुझे इन पर, चाहे उसके लिए दो पैसे महंगी सर्विस है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एवन क्वालिटी की सर्विस कुछ पैसे लेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अमेज़ॉन आपको बहुत सस्ते में ये चीज़ें दे रहा है। 499 रुपीज़ का आपका ज़ोरो का माउस है। अब देखिए इसके फीचर्स बताता हूँ मैं, एक तो इसमें 6 बटन है, 1, 2, 3, 4, ये आप देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, USB माउस है, और नंबर ऑफ़ कीज़ आप देख सकते हैं 6 है, 6 नंबर ऑफ़ कीज़ हैं, DPI जो स्विच होता है ना, DPI स्विच ये होता है, ये इससे आप माउस के कर्सर की स्पीड को सेट कर सकते हो, जब पबजी खेलते हो या CPU यूज़ करते हो या कंप्यूटर कुछ काम करते हो ना, तो गन की मूवमेंट हो गया या कर्सर की मूवमेंट हो गया इस DPI पे बहुत डिपेंड करती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सेंसिटिविटी को ही सेट करें, इससे भी आप अपने कर्सर की सेंसिटिविटी को ऑटोमेटिकली एक क्लिक में सेट कर सकते हैं बिना किसी चीज़ को करें। USB केबल लेंथ है 1.5 मीटर, केबल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, आप देखिए केबल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, मेरे सारे जितने भी CPU में चीज़ें लगी हैं ना, चाहे वो माउस हो कीबोर्ड हो हेडफोन हो, सब में ऐसी केबल लगी है, कटती नहीं है टूटती नहीं है खिंचती नहीं है, ये मतलब केबल की वजह से तो ये माउस नहीं ख़राब होगा, ये तो तय है, ये तो मान के रखिए। अब देखिए इसमें और एक फीचर दिखाता हूँ, ये लगभग 70% मेटल का बना हुआ है, आप देख रहे हो स्टेनलेस स्टील है, उस पर फिनिशिंग भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग है, स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है मेटल स्टेनलेस स्टील, नीचे भी लगा हुआ है, तो माउस के चारों तरफ मेटल ही मेटल है, तो आपको एक बढ़िया ग्रिप और थोड़ा सा हल्का सा वेट मिलता है, जो गेम खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लास्टिक का माउस ये नहीं कर सकता, आप जैसे कर्सर घुमाओगे एम सेट करोगे तो बंदे के सर पर ही बंदूक रुकती है, उसके पीछे इस माउस के वेट का बहुत बड़ा काम है, ये शोकेस है, ऐसा कुछ नहीं कि ये घूमेगा या फिर इसमें कुछ फंक्शन होंगे। 1, 2, 3, 4 बगल में 2 कीज़ 5 और 6, ठीक है जी, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम मक्खन जैसा माउस है, इसको मैं लगा के भी चेक कराता हूँ CPU पे आपको। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे फिटिंग कर चुका हूँ माउस की, पहले वाला मेरा गेमिंग माउस टैग कंपनी का था और इसने मेरे को बहुत ज़्यादा साथ दिया, इसने मेरा रबड़ कोटेड था इस पर, DPI स्विच थोड़ा सा हैवी ड्यूटी था, पर ये इसमें मेटल वेटल कहीं नहीं है, प्लास्टिक का था, लेकिन इसने बहुत साथ दिया है, 2018 का मैंने लिया हुआ था, 19 चल रहा और मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितनी गेमिंग खेली है इस पर मैंने, ठीक है, अभी भी ये काम कर रहा है, ख़राब ये नहीं है, ये अभी भी काम कर रहा है, लेकिन होता क्या ना कि लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते करते अब कभी कभी ना लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं गोली नहीं चलती है, तो पहले तो मुझे लग रहा था कि पबजी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन एक्चुअली उस की वजह से हो रहा था, अभी भी ठीक है, 90% ठीक है, 10% प्रॉब्लम आती है कभी कभी, क्रिटिकल सिचुएशन में काम नहीं करता है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है आपके एक्समेट से, आप देख रहे हैं भाई साहब ब्यूटी ही अलग है, चीज़ ही अलग है, ये फुल्ली मेटल बना हुआ है चारों तरफ से, जहाँ जहाँ पे आपको पकड़ना है ग्रिप है वो सारा कुछ मेटल का ही बना हुआ है, ठीक है, और कर्सर की सेंसिटिविटी भी बहुत ही अच्छी है, अगर मैं DPI प्रेस करूँगा तो अपने इसको सेट कर सकता हूँ, तो फिलहाल ये दिखने में तो बहुत ही गुड लुकिंग है, रात में तो मज़ा ही आ जाएगा इसे देखकर, अभी तो दिन का टाइम है तभी इतना सुंदर लग रहा है। ये मेरा CPU है, आप देख सकते हैं आईबॉल कंपनी का है, और ये वो
A30 कूलर है एनटेक का, जो मैंने अंदर फिट कर दिया है। ठीक है, ग्लास के रिफ्लेक्शन की वजह से उतनी अच्छी क्लियर इमेज तो नहीं आ रही होगी, पर यहाँ पे वो फिटिंग है अंदर मदरबोर्ड में। चलो दोस्तों, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये माउस। बाकी आपको सस्ते में बढ़िया माउस चाहिए तो 500 रुपये में भाई साहब बुरा चीज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है।